यार एक आम इंसान क्या कर सकता है जब उसे बिना वजह छेड़ा जाए, तो आप क्या सोच रहे हो ये सब चीजें इस मूवी में देखने को मिलेगी? नहीं नहीं ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मुझे कोई ओपनिंग लाइन चाहिए थी वीडियो शुरू करने के लिए, और ये आम इंसान का जिक्र जो है वो इस मूवी के अंदर आपको बार बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि यार वहां पर आम इंसान यूज तो किया गया लेकिन जो इसने यूज किया वो आम इंसान है नहीं। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा नोबडी मूवी के बारे में, जिसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट की है। अगर आप लोगों ने जॉन विक मूवी देखी हुई तो शायद आप लोगों को ये मूवी थोड़ी बहुत कम इंटरेस्टिंग लग सकती है, और फिर आप कहने लगोगे कि यार जॉन विक में ज्यादा बढ़िया एक्शन थे, और फिर आप इसके साथ और भी चीजें कंपेयर करने लग जाओगे जैसा मैं कर रहा था जब इस मूवी को मैं देख रहा था। लेकिन भाई साहब इसके साथ जब 1 घंटा 30 मिनट कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और एक मेन मतलब मूवी का मेन मोटिव तो यही होता है ना कि आपको अपने साथ वो कनेक्ट कर ले, और ये चीजें हुई इस मूवी के साथ। मतलब 1 घंटा 30 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला यार, इतनी इंटरेस्टिंग मुझे मूवी लगी बाद में लगी। खैर अब मूवी की स्टोरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक ओवरलुक्ड पर्सन मतलब कि एक एज्ड, काफी ज्यादा एज हो चुकी है, वो काफी थका हुआ है, हच उसका नाम है, और अपनी एक सिंपल सी लाइफ वो जी रहा है, 9 से 5 जो है वो अपनी लाइफ को जीता हुआ इसमें दिखाया जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस जॉब से। और एक दिन क्या होता है कि उसके घर में चोर घुस आते हैं और उसको लूट कर चले जाते हैं। उसे अपने बेटे के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा मतलब फील होता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। बस यही एक चीज थी जो इसको ट्रिगर कर गई, इसके अंदर के ज्वालामुखी को फोड़ दिया। एक्चुअल में हच कोई सिंपल इंसान नहीं है, वो आर्मी के अंदर एक खुफिया विभाग में काम करता था। अब वो अपनी इस जॉब से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, मतलब सारा दिन लोगों को मारना, उनको कत्ल करना, तो इन सब चीजों से परेशान होकर उसने सोचा कि यार मैं एक सिंपल लाइफ क्यों ना जीऊं, और वो 9 से 5 की वो जॉब करनी शुरू करता है। लेकिन अपनी इस 9 की 5 की जॉब को वो कुछ ही टाइम कर पाता है, मतलब उसके फेस को देखकर लगता है यार डेली वही रूटीन चल रहा है, सुबह उठो कचरा घर के आओ, वापस घर पे आओ, काम करो, मतलब ये सारी चीजें सेम टू सेम, कुछ भी मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा। तो आपके उसके फेस को देखोगे ना वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट वहां पर आपको लगेगा, यार डेली का यही काम कर करके वो पक गया है। और जब ये इंसिडेंट होता है बस समझो कि चिंगारी की जरूरत थी, और इसके अंदर के जो शैतान बैठा था मार धाड़ करने के लिए वो जाग जाता है, और बस में जा रहा होता है वहां पर ये मार धाड़ शुरू कर देता है, कुछ लोगों को मार देते हैं, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है एक खूनी खेल शुरू। और हच बस में जिन लोगों को मारता है इससे एक बहुत बढ़िया माफिया का नाम उससे जुड़ा हुआ होता है। अब वो हच के पीछे पड़ गए हैं, हच की फैमिली को खतरा आ जाता है। अब मतलब ऑब्वियसली एक आम इंसान, मतलब हच जो था वो एक आम इंसान था, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है, वो सारी चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी। और यही कुछ चीजें थी जो आप लोगों को जॉन विक की याद दिलाती हुई नजर आएंगी कि यार हाँ यार ऐसा कुछ जॉन विक में भी देखा था, जो एक इंसान सा आराम से बैठा था, उसको कोई प्रोवोक कर देता है, छेड़ देता है, और फिर वो क्या करता है अपना बदला लेना शुरू कर देता है। तो ये सब चीजें आप लोग लगेगा यार ये तो जॉन विक में देखने को मिलेगा, इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इसके अंदर भाई साहब इसकी फाइटिंग सीक्वेंस है जो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। जो बस में जो फाइट होती है आप एक पल तो ये सोचोगे यार ये लड़ कैसे रहा है, यार ऐसे कौन लड़ता है, लेकिन एक्चुअल में फाइट तो वही होता है ना, ऐसा नहीं है कि एक बंदा उसके सामने 6 बंदे हैं, उसको एक खरोंच भी नहीं है, उसने 6 बंदों को ढूंढ के रख दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। जो मतलब ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक जो फाइट रखी गई है मुझे रियली में काफी पसंद आई है ये वाली चीज। और अब बात करूं कि मूवी में क्या क्या चीजें अच्छी हैं, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है फाइटिंग सीक्वेंस, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं। हाँ मूवी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत स्लो है, 15 से 20 मिनट इसको लग जाते हैं अपना स्पीड मतलब पकड़ने में, उसके बाद ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चलती है। इस मूवी में कुछ डायलॉग और कुछ सीन ऐसे हैं जो मजाकिया तौर पे डाले गए हैं जो इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और साथ ही साथ जो इसमें फाइटिंग होती है उसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चला देना, जो मतलब इसकी जो कॉम्बिनेशन है म्यूजिक प्लस फाइटिंग का, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ओवरऑल मूवी को आप इंजॉय करने वाले हो, आप अपनी सीट से नहीं हिलोगे। स्टोरी की बात करूं तो देखो स्टोरी थोड़ी बहुत हमें निराश कर देती है कि यार हाँ हमने कुछ ऐसा पहले देखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो काफी ज्यादा कत्ल करता था, अब भले ही वो एक गुंडा था या फिर अब वो एक मिलिट्री में था, कुछ भी था, वो अपनी उस जॉब से परेशान था, रोज मार धाड़ के उस काम से परेशान आ गया था, और वो अब अपनी एक सिंपल लाइफ शुरू करता है, लेकिन उसको आके कुछ लोग छेड़ देते हैं, फिर से वो उस लाइफ में वापस चला जाता है। तो ये वाली चीजें हमें देखी हुई वापस फील ऐसी होती है कि यार ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहां पर थोड़ा बहुत मुझे कमी लगी इस स्टोरी के अंदर। लेकिन बावजूद इसके जैसा मैंने कहा ये मूवी आप लोगों को अपनी सीट से नहीं हिलने देगी, इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा आपको एंजॉय करोगे इस मूवी को देखते समय, परफॉर्मेंस भी आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, वॉयलेंस भी काफी ज्यादा है इस मूवी के अंदर। अब बात करें कि क्या हिंदी में है या इंग्लिश में, हाँ ये हिंदी डब में है और काफी बढ़िया डबिंग मुझे लगी, मतलब हर जो वॉइस थी हर एक करेक्टर के ऊपर सूट कर रही थी। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी अगर नहीं देखी तो। देखो 1 घंटा 30 मिनट की एक मूवी है,
जो काफी इंटरेस्टिंग है। आपका टाइम मतलब ये कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी देर बाद जो फाइटिंग स्टार्ट होती है, अपने आप को बचाता है हच, या फिर वो जो मारता है इन लोगों को, खैर मैं वो चीजें बताना नहीं चाहता क्योंकि वो स्पॉइलर आ जाएगा। तो ये सब चीजें जब देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा इस मूवी के अंदर। तो अगर नहीं देखिए तो एक बार जाकर देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।